हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया तिवारी एंड मी सोनिया तिवारी एज यू नो. ओके, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम. कुछ ऐसी है इसकी आउटर पैकेजिंग देखने में. ओके, 120 रुपीज़ की मैंने ये परचेज़ की है. दो साइजेस में अवेलेबल है मार्केट में, एक बड़ा साइज़ भी आता है इसका ही. मेरे पास जो साइज़ है वो छोटा साइज़ है. जिसका बड़ा साइज़ है वो 275 रुपीज़ का है और ये 120 रुपीज़ का है. ओके, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ्स की है. मीन्स कि 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं. इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ है, 2019 में ये एक्सपायर हो जाएगा. इसके अलावा 9 grams ऑफ प्रोडक्ट दे रही है हमें लैक्मे इसमें 120 रुपीज़ में. और इसका जो बड़ा साइज आता है जो कि 275 रुपीज़ का है, उसमें आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी आई थिंक 30 grams ऑफ प्रोडक्ट उसमें मिल रहा है. ओके, अगर मैं बात करूँ इसके इनर पैकेजिंग की तो कुछ ऐसी दिखती है ये अंदर से, लैक्मे 925 सीसी क्रीम. इसका ये रोज़ गोल्ड मेटालिक टाइप कैप है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है देखने में. इसके अलावा लैक्मे क्लेम क्या करती है, ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश SPF 30 PA++. ओके, अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ करने के बाद आपको कोई और फाउंडेशन या फिर कोई और क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये ऑल इन वन है. इसके अलावा इसमें SPF 30 PA++ भी है, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको कोई सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपको सन प्रोटेक्शन देगा. इसके अलावा 2 शेड्स में अवेलेबल है मार्केट में, ये ब्रिज एंड ब्रॉन्ज. मेरे पास ब्रॉन्ज है. ब्रिज शेड जो है वो फेयर टू मीडियम स्किन के लिए है और जो ब्रॉन्ज है वो मीडियम टू डस्की स्किन के लिए है. ओके, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. मैं आपको इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम सीसी क्रीम यूज़ क्यों करते हैं. सीसी क्रीम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सीसी क्रीम हमें सन प्रोटेक्शन भी देता है. ओके, सेकेंड ऑफ थिंग कि हमें जब सीसी क्रीम जो है हम लगाने के बाद हमें मीडियम कवरेज भी मिलता है, जो कि अगर हम कोई मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हैवी लुक हो जाएगा और वो काफ़ी हैवी लगेगा हमें अपने फेस पे. बट ये हैवी भी नहीं लगेगा हमें और इसके बावजूद हमें एक अच्छा मीडियम कवरेज भी देगा, फाउंडेशन जैसा लुक देगा. ओके, एंड थर्ड रीज़न ये है कि ये अगर आप हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी होता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो शायद आप इसको अपने फेस पे प्राइमर के बाद यूज़ कर सकते हैं. आपको कोई उसके पहले कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना पड़ेगा अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो. ओके, बात करती हूँ मैं अगर प्रोडक्ट की तो कुछ अंदर से अगर आप देखें तो काफ़ी छोटा सा इसमें एक हॉल है जिससे कि प्रोडक्ट बाहर आएगा. ये काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज़ कि कभी क्या होता है कि हमारे पास हम क्यूट पैकेजिंग होती है या फिर पंप आउट करते हैं हम किसी प्रोडक्ट को, फाउंडेशन हो या फिर कोई क्रीम हो, तो कई बार वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हम उसे दोबारा उसमें डाल भी नहीं सकते, तो वो प्रोडक्ट फिर वेस्ट हो जाता है. इसमें बेस्ट पार्ट है, जितना प्रेस करेंगे उतना ही निकलेगा, एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा और फिर आपका वेस्ट भी नहीं होगा. इसके अलावा मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखाना चाहूँगी. कुछ ऐसी दिखती है अंदर से ये क्रीम, काफ़ी थिक है ये, मीन्स की लिक्विडी नहीं है, काफ़ी थिक क्रीम है ये. मैं इसको अपने हाफ ऑफ द फेस पे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि ये हमें कितना कवरेज दे रही है. मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए. अगर आप किसी स्पंज का या ब्रश का यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी फिंगर्स के साथ, इसलिए मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये इजी टू ब्लेंड है. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इसको ब्लेंड किया है अपनी फिंगर से और कितनी ईजिली ये ब्लेंड हो गया है हमारी स्किन में. ईजी टू ब्लेंड है, बहुत ईजिली हमारे फेस पे ग्लाइड कर रहा है. इसके अलावा स्किन में ना बिल्कुल ये ऑब्जर्व हो चुका है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने अभी कुछ लगाया है. बहुत लाइट वेट है, हमें ये मीडियम कवरेज दे रहा है. अगर आप देखें तो मैंने इस साइड जो है अपने लैक्मे 925 सीसी क्रीम लगाई है और इस साइड मैंने कुछ भी नहीं लगाया है.
सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 925 सीसी क्रीम लगाई है लैक्मे। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है दोनों में। ओके, काफ़ी हद तक ये मेरे डार्क सर्कल्स को भी कवर कर रहा है, और मेरी जो इन अनइवन टोन है यहाँ पे माउथ के अराउंड, थोड़ा सा उसे भी कवर कर रहा है। मीन्स कि ये 120 रुपीज़ में लक्मे हमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, बिकॉज़ कि बिल्कुल भी स्टिकी फीलिंग भी नहीं आ रही है, बिकॉज़ मेरी स्किन तो ड्राई है, तो मुझे तो शायद इसे किसी लूज पाउडर या किसी कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी स्किन ऑयली है, उसे यूज़ करने के बाद अगर वो किसी कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे, तो शायद उनके चेहरे पर ये काफ़ी टाइम तक टिका रहे, बट मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने। अगर जिनकी भी ड्राई स्किन है वो यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करने से पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पर यूज़ करिएगा, उसके बाद इसे यूज़ करिए। बिकॉज मैंने मॉइस्चराइज किया हुआ अपने फेस को, उसके बाद मैंने यूज़ किया, मेरी स्किन ड्राई है। इसके अलावा ये 5 से 6 घंटे हमारे फेस पे टिका भी रहता है, ठीक है। जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है ये लैक्मे 925 सीसी क्रीम। ओके, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू लैक्मे 925 सीसी क्रीम के लिए। अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नीचे एक रेड कलर का बटन इस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे प्लीज़ जाके प्रेस करिए, और मेरे चैनल को अब भी आप सब्सक्राइब करिए मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मेरे चैनल मेरी वीडियोस को शेयर भी करिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।